अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त बशीर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि मैं अपने सेटअप से रिंगने के जो मज़ीद बिल्डर पेयर मौजूद थे ठीक है वो सेल आउट करने लगा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बार फिर एक दो से बहुत अच्छा सौदा हो चुका है। ठीक है, अच्छा मैं बर्ड्स यूँ सेल आउट कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो थोड़ी बहुत यानी कि वक्त फ्री मिलता था ठीक है, अब वो भी मसरूफियात में जा रहा है यानी कि काम में, तो जिस बाइस वक्त ना होने की सूरत में मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपने बर्ड्स की मैं बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि उनकी पानी की ठिलिया या उनको दाना ठीक है वक्त पर अदायगी नहीं दे पा रहा हूँ। अलबत्ता एक टाइम फिक्स जो है, लेकिन उस दौरान या तो मैं आराम कर सकता हूँ या फिर अपने दीगर घर के ज़रूरी मसाइल देख सकता हूँ। तो इस बारिश थोड़ा बहुत सोचने के बाद इस फैसले के ऊपर मुत्तफिक हुआ मैं कि आया रिंगनेक के जो मेरे पास बिटर पेयर मौजूद हैं जो सेपरेट सेपरेट हैं जिनमें मेरे पास वक्त लग रहा है मुझे, तो मैं उन्हें वाइंड अप कर देता हूँ। तो बहरहाल जिन पेयर्स की मेरी बात हुई है तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। अब आगे उनका इरादा देखते हैं, अगर वो वन मेल प्लस टू फीमेल वाला भी पेयर ले जाना चाहें तो मैं उन्हें भी नहीं रोकूँगा। पहला पेयर ये रहा हमारे पास, जिसमें हमारे पास अंडर साइज़ की फ़ीमेल मौजूद है ठीक है, जो कि सक्सेसफुल माशाल्लाह अपना इस ईयर का पहला क्लच ले कर चुकी है। ठीक है, माशाल्लाह चार अंडे ले किए थे, चारों में माशाल्लाह बेबीज है, फीमेल के साइज़ से माशाल्लाह फ़ीमेल बहुत अच्छी बड़ी है। सेकंड पेयर हमारा ये रहा ठीक है, जो कि हमारे पास वाइल्ड फीमेल थी, अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टिव है बेहतरीन, और थ्री टाइम्स ये फ्लाई कर चुकी है, तीनों टाइम्स आ चुकी है, साथ में मेल भी फ्लाई कर गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हमने बासानी ट्रैप कर लिया वन वीक बाद। ठीक, दो पेयर हो गए, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले तीन साल से सक्सेसफुल ब्रीड दे रही है ठीक है, जिसमें मैंने एक टाइम इसके नीचे बेबी सेल्फ फीड तक फीड कराया। सेकंड पेयर हमारे पास ये है, तीसरा पेयर ठीक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पेयर है, क्योंकि मेरा इसमें माशाल्लाह टॉकिंग मेल है घर की होम ब्रीड का, और इसी के साथ की कलच की फ़ीमेल इसमें मौजूद है ठीक है, साइज़ फीमेल का अच्छा है, मेल का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज़ है। और चौथा पेयर हमारे पास ये रहा, जो कि थोड़ा सा शिकायत पर हामिल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल छः अंडे देने की सलाहियत रखती है दोनों ही क्लच में, यानी कि एक के बाद सेकंड क्लच भी ले करती है, और आप तीसरे क्लच तक भी इसे ले जा सकते हो ठीक है, अगर वक्त के ऊपर आप इसके बेबीज को सेव कर सकें तो ठीक है, सक्सेसफुल बिल्ड करता है, चलता वो पेयर। चार, पांचवा पेयर मेरा ये रहा ठीक है, जो कि माशाल्लाह टॉकिंग मेल है, जो मिट्टू मिट्टू बेटे मुताल मुती भाग भाग और मज़ीद दीगर वॉइसेस भी निकालता है, जिसमें बिल्ली की कुत्ते की बार्गिंग ठीक है, चिड़िया की वॉइस, गिलहरी की वॉइस ठीक है, और ये माशाल्लाह मेरे पास पिछले छः साल आठ साल से ब्रीड कर रहा है ठीक है, कैप्टिव वाइल्ड है ठीक है, बाइट नहीं करता और ये फ्लाई भी नहीं करता इतना, यानी कि अगर बाहर निकल जाए केज से बहरहाल अपने केज के अंदर फ्लाई कर सकता है बासानी। एक ये पेयर भी जा रहा है हमारा, पाँच हो गए। और उसके बाद हमारा ये अभी रिसेंटली हमने दिसंबर में पेयर बॉन्ड किया था, जो कि हमने काशी भाई को दिया था, लेकिन उनको राज नहीं आया क्योंकि फ़ाइट कर रहे थे, उन्होंने लौटा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आने के बाद ये तकरीबन वीक के अंदर इसने पेयर बॉन्ड किया, बॉन्ड करने के बाद माशाल्लाह फीड एक्सचेंज कराते हुए क्रॉस के ऊपर गया, और माशाल्लाह सक्सेसफुल ब्रीड की, चार अंडों में तीन बेबीज निकले, तीनों ही मदर फीड से मैंने बड़े कराए डाएंगे। ये हो गए छः पेयर। सातवां पेयर ये रहा हमारा ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पेयर है, मेल साइज़ बहुत अच्छा है, फीमेल थोड़ी सी नॉर्मल कैप्टिव ब्रीड है ठीक, मेरे पास लास्ट ईयर की सीज़न में सिर्फ एक ही फीमेल बची थी, ये बेबी बकाया अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुके थे, तो इसका पेयर बॉन्ड किया था तकरीबन 18 मंथ की होने पर इसने हमें सक्सेसफुल ब्रीड दिया था, एक इस फीमेल ने और एक उस फीमेल ने। ये हो गए सात।
आठवां पेयर ये रहा, ठीक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ब्रीड करता है और फीमेल का साइज माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ठीक है, वो पीछे आपको जो नज़र आ रही है ये फीमेल है, ठीक है। साथ में इसके तीन बेबीज हैं, जो कि एक बेबी क्या नाम है वो कोने वाली फीमेल का हमने बेबी मूव किया था, ठीक है, सर्वाइव कराने के लिए। वो है सक्सेसफुल ब्रीड करने वाला पेयर है, दो से तीन क्लच ले करता है माशाल्लाह सक्सेसफुल। ये हो गए मिला के तकरीबन आठ या नौ पेयर, ठीक है। और एक पेयर हमारे पास ये रहा वन मेल प्लस टू फीमेल, हमारा सौदा हो चुका था लेकिन ज़रूरत के बाइस वो साहब आ नहीं सके, लेकिन हमारा अभी उन्हीं से रब्ता भी है। और सेकंड, अगर जो अभी परचेजर हैं अगर वो ले जाना चाहें तो उनके लिए ये हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मुकम्मल सेटअप था और माशाल्लाह ये मेरे पास थोड़े बहुत डिफ़ॉल्टर पीस है लेकिन सक्सेसफुल। अगर किसी दोस्त को घर के लिए रखना हो तो वो ये पेयर ले सकता है, ठीक है। हालांकि पेयर ब्रीड करता हुआ है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंडली है, बाइट नहीं करता, मेल 100% टॉकिंग है लेकिन ऑन मूड बर्ड्स हैं इसके, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ गई। और फीमेल इसमें माशाल्लाह वाइल्ड थी पहले, लेकिन ये मेरे साथ बहुत अच्छी फ्रेंडली है, ठीक है। और माशाल्लाह इससे डिफॉल्टर यूँ है क्योंकि इसको चूहे ने बाइट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होने के बाद उंगलियों में हरकत भी है, सब कुछ है और सक्सेसफुल। ये क्रॉस होने के बाद एक लेंग भी बेहतरीन है और माशाल्लाह इस साल इसके तकरीबन बेबी 17 डेज़ की क्या नाम है ग्रोथ होने के बाद एक्सपायर हो गए बारिश के बाइस अंडों में। ये एक और पियर है जो कि मैंने अपना शेड बनने से पहले मैंने इसको ट्रैप किया था, ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पर डाला था, सही माशाल्लाह सक्सेसफुल पियर यानी कि प्रीपेयर पकड़ा था, ठीक है। लेकिन क्या नाम है मेल की एक आई के अंदर उसको तो इशू होगा, जब मैंने इसको पकड़ा एक आँख इसकी जिया है, ठीक है, यानी कि जाला है जो कि ट्रीटमेंट के बाद हट सकता है लेकिन मेरे पास वक्त मुमकिन नहीं, ठीक है। माशाल्लाह साइज में अच्छा है, ये एक 100% बिटर पेयर है लेकिन फीमेल एक बाइंडिंग की वजह से लेग इशू में आ गई, तो इस वजह से सेकेंड क्या नाम है गोल स्टिक लगे होने के बाद क्रॉस बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, इस वजह से ब्रीड ना कर सकी। ये थे मेरे पास कुछ पेयर जो कि माशाल्लाह हमने बात कर दी है और इंशाल्लाह हम वादे के मुताबिक उन तक ये चीज़ हमारे पास अमानत है और इंशाल्लाह जल्द ही अपने नए घर को शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम उसके बाद तकरीबन शॉप करेंगे चंद एक पेयर के साथ, जिसमें हमारे पास रुकैया का पेयर मौजूद होगा या फिर हमारे पास वन मेल प्लस टू फीमेल वाला पेयर रुकेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रॉ पैरेट के दो ब्रीडर पेयर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे, उम्मीद अल्लाह ताला से यही है, क्योंकि ये फीमेल हमारे पास तकरीबन नियर टू 18 to 2 ईयर की हो जाएगी, जबकि ये फीमेल माशाल्लाह हमारे पास 32 महीने से 34 महीने की हो जाएगी, ठीक है, ब्रीड के काबिल माशाल्लाह दोनों ही हैं। और एक हमारे पास ये पेयर रह जाएगा, अगर उनका इरादा बना तो भाई ये भी उनके लिए हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अलबत्ता अगर किसी को मुकम्मल रिंगनेक के बेबीज़ चाहिए हो जिनकी एज तकरीबन नियर 6 मंथ से लेके अपना 8-8.5 महीने के आसपास होने को है, ठीक है, अगर किसी भाई को भी नीड हो, अगर वो फुल सेटअप यानी कि तकरीबन ये नियर 20 के करीब पीस हैं जिनमें से दो पीस कहना मैं डिफॉल्टर दुम्स हैं यानी कि दुम उनकी जड़ी है लेकिन पीस सारे ओके हैं, ठीक है, मेल फीमेल सारे लमसम, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रिंगने के माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पट्टे मौजूद हैं जो कि मेरी होम ब्रीड के हैं, तकरीबन 2-3 साल के नियर इनकी एज होने को है, ठीक है। माशाल्लाह इसमें जितनी भी फीमेल्स हैं ज़्यादातर वो फ्रेंडली माहौल की हैं, ठीक है, तकरीबन इसमें 6-7 पीस मेरे पास हैंड टेम थे लेकिन मैंने फिर उन्हें कैप्टिव वाइल्ड करने के लिए बड़े केजीस में मूव कर दिया था, वहाँ लकड़ी वाला से ज़िया हो चुका था क्योंकि बर्ड्स बिल्कुल उसे खा चुके थे, तो उसके बाद यहाँ शिफ्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंडीशन दिखा देता हूँ आपको, कोई अगर बल्क क्वांटिटी में मुकम्मल लेना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर है 03404880826, ठीक है। रबते के लिए अगर आप चाहो तो मेरे पास सुबह तकरीबन 11 बजे से 11:30 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक वक्त होता है मेरे पास, ठीक है, सारे माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव हैं।
एक आध पीस है जिसकी वन एक आध फिंगर का नेल मौजूद नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे दोस्तों के लिए ये चीज़ तकलीफ दे भी होगी कि आया मैं अपना सेटअप वाइंड अप ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है। अपनी मसरूफियात बढ़ने के बाइस और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग पा रहा क्योंकि मैं इन बर्ड्स के साथ अपना कीमती वक्त लगाता था, ठीक है। अर्निंग के एवर्स नहीं क्योंकि मेरा एक शौक़ था। मैं इसकी भी एक कहानी आपको बताऊंगा कि मैंने आया रिंगनेक से क्यों काम शुरू किया और मैंने रिंगनेक के उस दौरान अपना सुहेल भाई को क्या वर्ड्स बोले थे और आज वो अपनी आंखों से मुकम्मल होते हुए भी देखे हैं मैंने, ठीक है। और बस मेरी मसरूफियात बढ़ जाने के बाइस और फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाइस, ठीक है, बस मसरूफियात बेहद बढ़ चुकी हैं, ठीक है। आप सभी से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मकसद फरमाए, उसमें आप सभी दुआओं में उनको याद रखिएगा, ठीक है। और तमाम दोस्तों के वालदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे और उनका साया उन पर कायम और दायम रखे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है फिर कभी। तो जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।